नमस्ते, मेरा नाम इंद्रजीत कौर एंड आई एम सर्टिफाइड ग्राफोलॉजिस्ट। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वाइड राइट मार्जिन के बारे में। वाइड राइट मार्जिन क्या होता है? जब भी जो राइटर है, जो लिख रहा है व्यक्ति, लिखते लिखते वो राइट पर जाता है और वहां पे कोई ऐसा वर्ड है जो उसकी जगह है, वहां पे वो वर्ड लिखा जा सकता है बट वो नहीं लिखता और वो आगे चला जाता है। जगह होने पर भी, जो व्यक्ति लास्ट वर्ड की जगह होने पर भी नहीं लिखता, तो उस व्यक्ति का ट्रेट क्या रहेगा? हमने ऑलरेडी जाना है कि राइट में क्या है, हमारी जॉब अपॉर्चुनिटी, रिस्क कैपेसिटी और डिसीजन मेकिंग की हमारी जो क्षमता है। तो ये वाला व्यक्ति जो जगह होने पर भी नहीं लिख रहा, तो उसी तरह का उसका ट्रेट है कि अगर उसके सामने उसको लग रहा है कि ये मैं रिस्क लेकर आगे मतलब ग्रो हो सकता हूं, बट वो इतना कॉशियस होगा कि वो रिस्क ही नहीं लेगा। अपॉर्चुनिटी सामने उसके दरवाजे पर नॉक 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 करके खड़ी है, बट वो कंफ्यूज्ड है कि वेदर ये मैं अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूं और ना करूं। इस कंफ्यूजन के चक्कर में वो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब ही नहीं करता और डिसीजन मेकिंग में भी ओके, मुझे ग्राफोलॉजी का कोर्स करना चाहिए या कोई और अपना कोई भी अपॉर्चुनिटी जो भी उनको उनकी जॉब में है या उसका कॉलेज में कोई अपॉर्चुनिटी है, किसी भी प्रकार की अपॉर्चुनिटी सामने खड़ी है बट वो कंफ्यूज्ड है कि मैं लूँ या नहीं लूँ। ये उसका पर्सनैलिटी रहेगा, करूँ कि ना करूँ, और इस चक्कर में वो अपनी रिस्क लेते ही नहीं, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब भी नहीं करते और डिसीजन में भी हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो ये ट्रेट है हमारे वाइड राइट मार्जिन। सो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, वहां पे हम जानेंगे राइट क्रेस्ट मार्जिन। सो आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।